राजतो बुधो गुरुर भार्गव सूर नंदनु राहोच केतुः परम नौग्रह कुर्वन्तु वः पूर्णमनो प्रसाद रखो ऐसे करो हरि ओम तत्सत 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 कल्पे काले प्रथम चढ़े जम्बू दीपे भारत खंडे भारत वर्षे आर्यावर्ते देशांतरते पूर्ण क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे वर्तमान नाम संवत्सरे सोलह साधारण नाम संवत्सरे आद्य चैत मासे शुभे शुक्र पक्षे द्वादशम तिथौ रघुवात्रे प्रथम वेलायाम क्या नाम देव देव देवराज अच्छा देव भारती देव भारतीय हाँ देव भारतीय जन्मोत्सव आद्य श्री सत्यनारायण पूजन कथा श्रवणाखम करते तदंग गौरी गणेश अनुग्रह पूजन अहम कर अपना नाम लिखना चाहते हाँ दूध उठाइए बात बात चलिए चलिए यहीं रख दीजिए हाँ चल छो इसे पकड़ लीजिए डाले थे ओम पंचावृतम में आनीतम प्रयोगिता बहुत अच्छी हालत ओम पंचावृतम में आनीतम प्रयोगिता शर्करया समायुक्तम पंचावृतम दुधतम जनम दध्यतम जनम घृत्यतम जनम मधुतम जनम पंचावृतम समर्पयाम ये तो मास्टर साहब आपसे भी ज्यादा तेज है शुद्धोदक स्नान सातवां आपकी शादी में हमको ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा ओम जलधारेश वचेत कैलाशे मुचते धर्म त्रिजन पाव संधारे हाँ एक व्यक्ति त्रिवे भो दे भो नहा सरस्वती महाराज तय नह माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन वैपुह नानी दान पुत्राण कोई बात नहीं उस मालाम सर्व्याम सर्वे भो दे बढ़ जाए माल्यादीन सुगंधीन माल्यादीन वैपुह मानी तान पुत्राण उर माराम सबर बयाम सर्वे भो देवना लक्ष्मी नारायण भाई के देवता भ्योमा कुल देवता भ्योमा ग्राम देवता भ्योमा उत्तम पुर माराम सबर बयाम दूध नहीं रहा बात चलो ठीक है बस कोई बात नहीं सरस्वती माता का ध्यान करें करेण मालां मराल पृठा संसन पृठम सरस्वती सर्वे बोधे गुणार्थी राणा नमः ईठ देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः त्रिखंडम चरणम दुर्गम गंधाढ्यम चंद्रवरम विलेवनम सुश्री महाराज नमः ओम भनसमत शोध भूत गंधड्डो गंधत्मा आग्रया सदेवनाम धूपुंताम धूवम धर्तयामि साज्यम च वत्संयुक्तम वायनम दीपम मया दीपग्रहाण दिवे स्लोकापहाम वृत्राण पट्टकूरान विचित्राण नमान जा मयानि तान देवेश प्रसन्नो भव शंकर वस्त्रम समर्पयाम गोपवीतम परमं पवीतम तापजिलय साजत्रता आयुषमग्गम प्रतमुद्रुगम यज्ञो पवितं बलमार्थ तेजा रुग्रे भगवान की जय धूपम दीपम नैवेद्यम आटे को साथ निकालिए दो जगह पर हाँ दो जगह निकालिए श्री खंडे राजा बलिदोधान इंद्रो महाबला तेन अहम प्राण से मात्र मात्र सर मंगल मंगल्ये श्री ध्रवा साधके शरणे तृणके गौरी नारायणे नमस्ते शरणागत दीनाथ बदासा लड्डू
इसे पंडित जी हाँ हाँ इसी दो दो करके घर भर में दो दो करके दो दो रखी नैवेद्य अपने हाथ से चंदन ऐसे ऐसे कर दीजिए, देखो ऐसे लोग ऐसे ऐसे करो ऐसे, हाँ ऐसे नहीं, हम तो खुद श्री खंडम चंदन मम्मी को लगा दीजिए चंदन चंद्रम सत्याम सर्वे भवति भनादार रूपम दीपम नवेदम निवेदयाम माता दादी गिलास पानी पियो से कथा बाची थी आप काजे को लड़की सके थे जा दीजिए आओ सर चंदन थोड़ा लगा लीजिए अपने हाथ से चंदन बना सब तो एक तो केला है ना केला केला था पंडित जी तो उर्दूपति वाला मंगवाया है चाह दीजिए इसे पांचो पांच फल चाह दीजिए सर बना दीजिए पांच फल इधर मालूम मैया देवा था सम पुरुष तो बने सब तो थोड़े धूप लोग इधर दो गुरुत्व आग्रह आसन देवानाम धूप मुंगदान इदं फलं मया देव साप्तं पुरुषतो तेन तु भोजने फलं समर्पयामि पञ्च फलं समर्पयामि हरदिजि फलं जगतो भूत भूत दद्दो मधुत्वा आग्रे चंद्रो तु यासते भूते भुना पञ्च फलं समर्पयामि बिटिया ग्लास पानी पिया जी मच्छर एक ग्लास पानी दो फलांते आग्रीन गरम सत्याम फल के बाद जल बढ़ाए से पिलाइए जलधारी सुमती कैलाशी मुष्टि धर्म इधम पड़े एक यहाँ एक यहाँ एक ही जगह पर जल से बहुत ही बड़ा इसको उधर रख दीजिए जल फिर जल पे रहो जलधारी बस हो गया हो गया माठा जलम सबर व्याम सर्वे बहुत ही बहुत धूपम दीपम नैवेदम चंदन लगा दीजिए बेटा हाँ बात एक बात चढ़ा दीजिए हाँ पानी पीते हैं तो एक लोटा पानी पीते हैं गर्मी ना सर भी बहुत ही बोला बाह अवश्य बना था पत्थर बहुत उठाइए उठा दीजिए बना था पत्थर बहुत बहुत गंधर दो गंधर तमाहा आग्रे आसन देवाना पाजम चवर संगुतम ऊपर दिखा दो थे हाँ बार रख दिए जो हम एक थोड़ा रुपया इसमें डाल दीजिए फाकर से हाँ हाँ बस ब्रो सत्यनारायण भगवान की पूजा की अच्छा ले लो आटा चावल ले लो सभी लोग अच्छे थे अच्छा सभी लोग ले लेंगे सबको दे दीजिए गणेश जी का पहले ध्यान करें फिर उसके बाद में कथा वार्ता चालू हो जाए ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुते यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय नरगणनाथ नमो नमस्ते भक्तातिरनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघटाय च वामनाय
भक्त प्रसन्न करता है नमो नमस्ते बोलो गणेश भगवान की जय। अच्छा ले लीजिए बेटिया आगे चल देंगे ये हो अच्छा ले लीजिए श्री गणेशाय नमः। एकदा निमित्तारणे प्यातुनका दया प्रभु चुम्न्या सर्वेषु तं भणकं खलु एकदा नातो जोगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विधान लोकान मृतलोकं भागवत ततो दृष्ट्वा द्रातर्वा नाना क्लेशनानां नाना लोटोत्पन्ने पचन्ते पापकृभिः केनोपायन्ते तेषां दुःखनाशो भोद्रोम इत मनसा संचित्त विश्लोकं गतव्या तदा नारायणं देवं दो लाइन भगवान का सभी लोग भजन करें कथा आगे बढ़ा दो सभी लोग बोलेंगे कि मैंने अपना सर डाल दिया भगवान तुम्हारे चरण में मैंने अपना सर डाल दिया भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में श्री राम तुम्हारे अपना सर डाल दिया हनुमान तुम्हारे चरणों में हनुमान तुम्हारे चरणों में श्री राम तुम्हारे चरणों में मैंने अपना सर डाल दिया घनश्याम तुम्हारे चरणों में घनश्याम तुम्हारे चरणों में श्री राम तुम्हारे चरणों में मैंने अपना सर डाल दिया भगवान तुम्हारे चरण भगवान की जाहि हाथ धनुष को उठायो है सीतापते जाहि हाथ रावण संहार अनंत जारी है जाई हाथ तारे उबारो हाथ हाथी कहे और जाई हाथ से निमत लक्ष्मी को निकारी हो जाई हाथ गिर उठाए गिरवर गिरधारी भयो और जाई हाथ नंद काज नाथ्यो नागकारी है हम तो अनाथ हाथ जोर देहो दीनानाथ कि वाही हाथ मेरो हाथ कहे भोग पाए वृष्ण की है। सतयुग का अंत हो चला था कलयुग आने वाला था उस समय इस धरती पर मात्र 88,000 थे धरती पर सारी धरती पर 88,000 मुनियों के ऊपर दुष्टों के द्वारा अहंकार का उत्पात किया जाने लगा कि धर्म संस्थापन का उठे जेकर किसी भी ठाव तो जलवा देते थे तभी असुर गांव के गांव ऐसे दुखी लोगों से त्रस्त होकर के वे 88,000 बने ब्रह्मा जी के पास पूछे हाँ लोग के खड़े हुए कहा भगवान राक्षस लोग पद्री लोग हमको पूजा चरण नहीं करने देते हमको पूजा की कोई जगह बताई जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मुनियों हम अपना चक्रदर्शन छोड़ रहे हैं ये जहाँ पर जाकर के टिकेगा वहीं आप लोगों की पूजा का स्थान होगा। वो चक्रदर्शन चला उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास सीतापुर जिले में एक स्थान नाम शारण है पहले उसका नाम चक्रतीर्थ क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ चक्रदर्शन वहीं पर टिका था इसीलिए उसका नाम चक्रतीर्थ पड़ा और वही चक्रतीर्थ जो है बाद में नाम शारण के नाम से जाना है वहीं पर वही 88,000 बने। आप विचार कर रहे थे कि कराल कल काल निकट आ रहा है इस युग में जीवन कार्य के दुखों से दुखी होंगे यही आपस में सोच रहे थे कितने में व्यास जी के बिल्कुल नदी के शेष
श्री सूद जी महाराज उसी स्थान पर पहुंचे। मुनियों ने सूद जी महाराज का यथोचित सत्कार किया। देखो भैया, हमारे यहाँ प्राचीन सभ्यता है कि हमारे दरवाजे पर कोई पहुंच जाता है, दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो पहुंच जाता है तो हमारे घर में कुछ नहीं होता, तो एक गिलास पानी देकर के उस अतिथि का सत्कार करते हैं। उसी तरह से मुनियों ने श्री सूद जी महाराज का यथोचित सत्कार किया और उनसे पूछा कि हे मुनि कृपाल, यह तो कहिए उत्तम व्रत आराधन क्या है, मनमांछित फल पाने वाला इस कलयुग में साधन क्या है। हे महाराज, कौन ऐसा साधन बताओ, कौन ऐसा जप बताइए जिससे कि कलयुग के लोगों का दूर हो। तो मुनियों की यह बात सुने बोले सूत सुजान कि धन्य धन्य मुनि वृंद, तुम पूछा प्रभुमान। हे मुनियों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। तो कल के जीवों के लिए वही बस एक यत्न समझ में आया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है। उसी कथा को हम आज आपके सामने कहने चले हैं और वही कथा इस कलयुग में सत्यनारायण बाबा की कथा के नाम से जानी जाती है। किस तरह से के कसमें वीणा लिए करते हर गुणगान, आए इस संसार में नारद दयानिधान। एक समय नारद जी नाना लोग भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए, तो नारद जी ने देखा कि किसी तल पर जितने मनुष्य हैं सबने प्रकार के दुखों से दुखी हैं और भाग भाग की योनि में जन्म लेके पापों को भोग रहे थे। नारद जी को दयाई वे लगे सोचने कुछ उपाय इन जीवों के क्लेश मिटाने का, आपत काल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुंचाने का। लेकिन व्यर्थ यत्न जब कुछ न मिला, सब सोचे समझ कर हार गए, वैकुंठ लोक से तब निदान वैकुंठ नाथ के द्वार गए। नारद जी के हृदय कोई ऐसा विचार न पैदा हुआ जिससे कि दुखियों का दुख दूर हो, तो नारद जी भगवान का भजन करते हुए भगवान का गुण कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक की ओर रवाना हुए। कि तरह से दौरान सभी लोगों ने कि आज दुनिया है प्यासी तेरे नाम की, आज दुनिया है प्यासी तेरे नाम की, राम जी राम जी राम जी, आज दुनिया है प्यासी तेरे नाम की, श्याम जी श्याम जी श्याम जी श्याम जी, बोलो भगवान की। जय समय नारद जी वैकुंठ लोग कुछ देखते क्या है कि भगवान विष्णु उस समय देवे आसन पर शोभा पाते थे, सन्निकट खड़े जय विजय वहां सुर से जयकार सुनाते थे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए हैं, जय और विजय जो उनके दो द्वारपाल हैं पारे दारे पारा दे हैं। और क्या देखा कि मामांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाते थे, प्रधान सठा के हाथों से पद पद्म दबाती जाती थी। इसी के साथ ये भगवान साहब भगवान से प्राण हवा के पवन का था 11 रुपये भगवान के चरणों में अर्पित किया, भगवान को धनधान से भरपूर रखे। इनके अंतःकरण में जो भाव पैदा हो रहे हों सत्यनारायण बाबा पूरा करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की।
भगवान विष्णु समय देव आसन पर शोभा पाते थे, सन्निकट खड़े जय विजय वहां स्वर से जयकार सुनाते थे। और क्या देखा कि वामान में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थे, धान ठाके हाथों से पद पद्म दबाती जाती थी। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दाबेगी, भगवान की सेवा करेगी। हेलो, हाँ भैया, हाँ ठीक तो है, बढ़िया तो है, अच्छा है। कहाँ पर? गली नंबर 6। हाँ तो साहब जी एक बार सवेरे जो है फोन कर लेंगे, अच्छा ठीक है, हाँ कर लेंगे, धन्यवाद, आ जाएंगे। पुरुषोत्तम भगवान की जय, गुरु आनंद कंद भगवान की जय। तो बामान में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थी, प्रधान ठाके हाथों से पद पद में दबाती जाती थी। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दाब रही थी, भगवान की सेवा कर। देखिए स्त्रियों का परम कर्तव्य क्या है, मानव के अंतर्गत गोस्वामी तुलसी का लिखा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों के लिए उनका पति उनके शासक, वही उनके देवता, उनको उन्हीं की पूजा करना चाहिए, शेष दूसरे देवता की पूजा करनी। इसी के साथ कथा को आगे बढ़ाते हुए जब भगवान विष्णु अनाज पर पड़ी तो देखा जब देवर्ष को उठे विष्णु भगवान, स्वागत को आगे बढ़े श्री समेत श्रीमान। भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ भक्तराज नारद के स्वागत के लिए दौड़ पड़े और किया क्या कि सम्मान सहित मुनि नारद को अपने आसन पर ले आए, उन कुशल पूछे कर मंद मंद आनंद कंद कुछ उसे काहे। देखिए भगवान जर्र जर्र व्याप्त हैं, सबके मनोकामनाओं को जानते हैं कि कौन सा भक्त हमारे पास किस आशा के साथ जाए। फिर भी लोकाचार को निभाने के लिए भगवान जी ने पूछा कि राम जी जो कट आपने किया आज उसका प्रधान कारण क्या है, वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य असाधारण क्या है। नारद जी आप वैकुंठ लोक में क्यों आए हैं? तो नारद ने कहा भगवान मृत लोक के जन सकल हाय इत क्लेश अनंत, कहे उपाय से मुक्त हूँ मोचो कहो भगवंत। भगवान ने कहा नारद जी देवर से आप हैं सर्व पूजे हर भक्त और योगेश्वर हैं, उपकार और का करने में रहते सदैव ही तत्पर है, वैसे तो मरने जीने का रहता नित गमन आगमन है, करते जो उपकार सदा उनका ही जीवन जीवन है। तो एक छोटा सा पाप बता रहा हूँ जिसके करने से कलयुग के प्राणियों का कर दूर होगा, वो छोटा सा पाप क्या है कि जो क्लेश जाल से मुक्त प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्य नारायण का वह करे प्रेम से आराधन। भगवान श्री स्वामी का पूजन संध्या के समय दिन में क्यों नहीं, क्योंकि बाल बच्चों के घर में व्यस्त रहेंगे, इसलिए सारे काम कर निपटाए के चंदन अक्षत नैवेद्य। नैवेद्य क्या है कि अभाव है सर चूड़े सर करावा गुण सदा
सपादम सर भात चाटते के एक विवेदर गेहूं काटा चीनी न मिले तो चावल काटा गुड़ मिलाए के सपादम को सवाए सवाए लगाए पंच अध्याय कथा का श्रवण करें गुरु को भोजन कराओ दे चढ़ावे में इसके बाद से मन में कैसा भोजन करें रात में सभी भगवान के सामने ना जाना बजाना के तो भजन त्याग करें सभी जो सभी लोग जाग लगाए तो सत्य नारायण इतना से कहते जाए तो इस प्रकार जो चित्त दे कथा सुने सब प्रेत निश्चय उठ जीव की मिट जाए सब भीत इस रीत प्राणी रिवा खंडे सत्राण कथायाम प्रथम अध्याय बोलो सत्राण भगवान की जय। अच्छा चढ़ा दियो ये चावल लेकर चढ़ा दीजिए दूसरा चावल ले लीजिए जल डाल करके लेकिन हर बार जल डालेंगे एक रुपये चढ़ा दिया करेंगे अच्छा सुन लीजिए दो लाइन भगवान का भजन करें कथा आगे बढ़ा दूं लेकिन सभी लोगों ने आप लोग इकट्ठा चढ़ा दीजिएगा कोई बात नहीं बार बार काम हो गया पिला दिया हाँ लो जय राम हरे सुख धाम हरे भगवान हरे भगवान हरे जय राम हरे सुख धाम हरे भगवान हरे भगवान हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे घन श्याम हरे भगवान हरे बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ ये सवाल भी भगवान सत्यनारायण बाबा की पावन गाथा में 11 रुपए भगवान के चरणों किया ये 11 रुपए केवल उनके बच्चे पढ़े लिखे विद्वान बने डॉक्टर बने इंजीनियर बने देश की सेवा करे समाज की सेवा करे अपने माता पिता का नाम रोशन करे बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तथा एक ब्राह्मण सदानंद जो दुख में समय बिताता था करके भिक्षाटन नित रोज भर पेट अन्न नहीं पाता था। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण थे कि प्रकार के कि पावन में शक्ति नहीं मार्ग को धामन को हाथन में शक्ति नहीं लकुटी उठा मन को अखियन में शक्ति नहीं देखने को दूर तक जीवियन में शक्ति नहीं बिनती सुनावे को चिंता मन भूख में संतोष ही सहारो एक राम को सहारो एक बिगड़ ही बनावे को ऐसे दुखी ब्राह्मण को देखा क्योंकि लिखा भी गया है कि भगवान भक्त को दुखी देख आप भी महा दुख पाते हैं वह रोता देख भक्तों को तो खुद रोने लग जाते हैं। एक बूढ़े का उदाहरण के पूछा हे तुम दुखे के क्यों रोते हो तो कहने में अपनी दशा होती उसे सकोच है किंतु कहा भगवान ने कहो करो मत सोच। पहले तो ब्राह्मण को कट हुआ कि जमाना गरीबों का नहीं है क्योंकि किसी स्थान पर लिखा भी गया है कि बलिदान नसर कदे खा कभी बल बेदी पे बकरे चढ़ाए गए बलवानों का बाल नबा का हुआ निर्बल ही बेचारे सताए गए सबय सहाय सबल को निर्बल को न सहाय पवन जगावत अन को दीपक दे बुझा देवता भवानी जो है वो भी सबल का साथ देते हैं लेकिन भगवान ने जब जवाब डाला तो ब्राह्मण अपने को जो है विधायक बना रहा है कि कहने को मैं हूँ सदानंद पर स्वप्न हुआ आनंद मुझे भोजन पाने की दुश्चिंता रखती न कभी स्वच्छंद मुझे हम तो अपने परिवार के भरण पोषण लिए भिक्षा मांगता हूँ अगर कोई उपाय जानते हो बतावे दरिद्रता दूर हो जाए बड़ी अच्छी बात। भगवान ने कहा कि बतलावे अब हम तुम्हें सुंदर एक उपाय
कि हर्रा लगन फिटकरी रंग चोखा हो जाए कि मुनियों में जैसे दास मुनि सर्वोत्तम माने जाते हैं देवो में वैसे सत्य देव आसन और आदर पाते हैं। अतएव सत्य नारायण के व्रत पूजन का निश्चय कर लो, उन पर ही एक भरोसा कर अपना जीवन निर्भय कर लो। अवरुण राधा सोचता रहा कि भगवान ने बहुत बताया कैसे कर सकूंगा राधा बिन्नी। अतःकाल स्वचानंद किया से निमित्त होकर उन्होंने मन में संकल्प किया कि आज जो कुछ इच्छा मांगने से मिलेगा उसी से भगवान की पान का था को खोलूंगा। वही सब सुंदर बोलने गया कि सभी धनी लोगों ने उड़ा करके उन पंडित जी को बहुत सारा धन दान किया, उसी धन के द्वारा सिद्धा के था भगवान की पान का था को सुना प्रणाम कर गया कि सब बिगड़ी दशा बनी उनकी पूरन सब उनका काज हुआ। पहले तो था वो सदानंद लेकिन सदानंद महाराज हुआ। भगवान स्वरूप ने मुझे कहते हैं कि भक्त मेरे जहाँ पग धरे वहाँ धरूं हम हाथ, उनके पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू उतार। अब उन पंडित जी की प्रतिष्ठा पूरे समाज में बढ़ गई। एक दिन संध्या का समय था, पूर्णिमा की तिथि, वही पंडित भगवान की पौन गाथा को रहे थे। कितने में एक लकड़हारा कुछ श्रमित प्यासा घबराया, लकड़ी का बोझ धरे सिर पर उनकी ही बस्ती में आया। देखिए लकड़हारे की और पंडित जी की मित्रता कोई नहीं नहीं। बचपन में पंडित जी इच्छा मांग जाया करते थे, वो लकड़हारा उन्हीं के साथ लकड़ी बेचने जाया करता था। आज बहुत दिनों के बाद लकड़हारा पंडित जी की मोहल्ली है, जिसके चलते वो पंडित जी के माल को पहचान सका। देखा या जैसे भगन भगण जो कि माला कथा लिये भगवान की पान का था को पुण्य को जा रहे थे, उन्हीं से लकड़हारा पूछता है कि रहे कि बे दरिद्र यहाँ तेह पाण कुटी का कौन उजारा। गयो कित कहीं पंडित जी का शुरुआत नहीं गया। उतने में आप लोगों ने बताया कि जो माल दिखाई दे रहा है वो फतेहानंद महाराज का ही। लकड़हारा उनके पीछे चल दिया, बाहर चौतरे पर लकड़ी का इकट्ठा रख करके जो घर के अंदर प्रवेश किया, देखा पंडित भगवान की पौन गाथा खुरे थे। सबसे पहले लकड़हारा भगवान के सामने मतल दिखाया तथा कासुरन के अपराध को ग्रहण करने के बाद पूछा कि हे ब्रह्म देवता आप किसका पूजन कर रहे हैं। ब्रह्म ने कहा कि जिनका यज्ञ पूजन है वो सत्यदेव परमेश्वर है, इस कठिन समय में दुख नाशक सर्वेश्वर है जगदीश्वर है। जब से मैंने आरंभ किया इस मुद मंगलमय पूजन का, तब से समूल मिट गया कट मिल गया लाभ नर जीवन का। उन लकड़हारे ने भी उन्होंने चिंतन किया या जो कुछ लकड़ी बेचने से मिलेगा उसी से भगवान की पान गाथा को बनूंगा। वैसे सुंदर वाले में गया, उनके लकड़ी का दाम चौगुना मान लियो, रोजाना 100 रुपये का लकड़हारा कमाता तो बाहर 400 कमाता। उठी धन के द्वारा सिद्धा के साथ भगवान की पान गाथा बना। जब तक लकड़हारा जीरा से हो किया मन नहीं पर बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो तुच्छ लकड़हारा निरा नीच वंश में लीन, सत्य देव भगवान से हुआ चौख तालीन। उत्तम कुल संपत्ति का यहाँ नहीं कुछ मान, सच्चे अंतर भाव के भूखे हैं भगवान। इसलिए हम प्राणी रेवाखंडे सत्रण कथा रामती अध्याय भगवान की भगवान की जो जहा दीजिए। अच्छा दही दो लाइन भगवान का हुआ भजन करे कथा बढ़ाओ कि बाद मन नारायण 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 भजन नारायण नारायण नारायण
कान माए रितियों कान रखे बोले सूत सुजान साधु नाम का बैच था चतुर और धनवान। एक बार साधु नाम के शेठ जी नौका में बहुत साधु लाभ के व्यापार के निकले जो कुछ और आगे बढ़े। कितने में एक देव मंदिर है उसने देखा उत्तम है वहां बंधवा कर नाव किनारे पर वो उस मंदिर की ओर गया। पहुंचा मंदिर के आंगन में तो सुंदर सुखद दृश्य देखा पीछे से नारायण का मंगलमय रूप जप देखा। देखा कि महाराज उनका भूमि पति क्रोधा के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी की पावन कथा को संतान प्राप्त के लिए कर रहे थे क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी। शेर जी ने पूछा कि राजन किसका पूजन। राजन ने कहा संतान प्राप्त भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन। शेर जी ने कहा मैं युवता ये राजन बता दिया। शाम के समय शेर जी जब घर पहुंचे शेर स्वामी लीलावती से कहा यह संतान प्राप्त है एक नाम के राजा के हैं। कहा तो बड़ा बढ़िया बता है क्योंकि थोड़ी देर पहले माने ली इस धर्म शास्त्र की पुस्तक में इस प्रकार पढ़ चुकी हूँ स्वामी जिनके संतान नहीं होती होता वह पुरुष नरक गामी। इन कथाओं को भी खोल लिया जाए। शेठ जी ने कहा कि देखो सेठानी चौबीसों घंटे बड़ा संघर्ष करते विचार करते मिलते हैं बस धन खर्च करने की जरूरत बन पा रही पूर्ण रूप किया जाएगा। इस तरह से पत्नी को आश्वासन व्यापार के लिए मिल पड़ा। भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से ले आती साल साल दिन पूर्व तो गौरी हुई उनके हाथ में कन्या का नहीं हुआ। वैसे शेठ जी बड़े ही छठी बोटा धन खर्च किया लेकिन भगवान का अर्थ करना बोल गया कहा विवाह पर करूंगा थोड़े ही दिन कलाओं की तैयार हुई। विवाह के बाद दामाद को साथ देकर व्यापार के निकला और रथसार पूछा जिस दिन उन्होंने पूछा था उसी दिन भगवान के द्वारा भेजे हुए दो माया भी रथसारपुर का नाम जो है आज बंबई। दो जो चोर है राजा के घर से माल चुरा अविराम दौड़ते जाते थे पीछे पीछे कुछ राजदूत उनको खदेड़ने को आते थे। राजा के सिपाहियों को आते देख चोरों ने भरा कर जहां पर दोनों सुतुज बैठा रहे थे वहीं पर धन पूरा करके चोर चले जाते हैं जैसा माला सामान है बांध करके राजा के पास ले राजा ने कारागार बना दिया। घर का सारा धन चोर चला ले गए। इसने समझा के रमे कलावती भिक्षा मांगने के लिए थी कहीं पंडित जी के यहाँ पूजन हो रहा था तथा सुनने के बाद जब देर रात में आई तो लीलावती ने कलावती कहा पुत्री कहाँ रही थे उन्होंने क्या है। कलावती ने कहा माँ अमुक पंडित जी के यहाँ पूजन हो रहा था लो माला होता था लेकर के आई हूँ। भगवान सत्यनारायण स्वामी का नाम सुनते ही पुरोलाओं ने भक्ति से श्रद्धा से किया पूजन का तब सतलोक में एक डगमगा उठाया संहर का आकार पाणी के राजन उन दोनों में शंकु कल प्रातः काल छोड़ दो जो धन लिया आपको दे दो नहीं तुम्हारा रात को सबको नट कर दूंगा थोड़े दबाएगा। राजा ने रात में देखे सुनने के विधम चिंतन किया सभी ने कहा महाराज तो सबने की आज्ञा तथा धन लगे तुरंत ही राजा सिपाही ने कहा उन दोनों में शंकु आदर के साथ दरबार में लाया जाए। सिपाही लोग जेल खाने पहुंचे तो महाराज के आदेश बनाते दोनों फिर रास्ते में पूछते हैं कि राजा मन की बात को नहीं जानता है कोई पहले तो बंदी भय हुए अब जाने क्या होए अब जाने क्या होए शीश तो नहीं कटेगा फांसी लागे हाय प्राण नहीं बचेगा। राजा के पास आए राजा ने कहा देखिए तुमको जो कुछ कर मिलाव का कारण ईश्वर में नहीं बह जाओ बाल उन्होंने किया गर्दी फिर रथों से बैठ दिया जितना धन लिया था उसका चुकना धन करके विदा किया और शेर जी नौका में सारा सामान फिर चल देते हैं। रात में शेर जी वृंदा माँ से कहते हैं कि बोले जा माता से लाला दुख तो अवश्य मैंने पाया पर देखो नाव ठसा ठस है दुख हुआ किंतु धन तो आया व्यापार किया होता तो फिर न जाने क्या आता जाता
संभव था अपने घर का भी सारा धन चौपट हो जाता। इसलिए हम प्राणी रेवा खंडे सत्रण कथाया तृतीय अध्याय प्रण भगवान की जय। उनकी थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी प्रधान भगवान ने पूछा, लाओ इनके हृदय को टूट रहा खुदवाग नहीं कहा थे तुम्हारी नौका में क्या है, काम है नौका में। लता भक्त भगवान ने कहा था अच्छा क्या करके बगल में समुद्र के समीप बरगद के वृक्ष नीचे बैठ गए। जब सुल्तान ने किया सेठ करके सेठ जी नौका को देखा नौका ऊपर आ गई करुण करने के लगे। सेठ जी का धमाद कहता है कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी हैं ठबे पर हाथ विचार। अरे तुम दुर्भाग्य भगवान के दर्शन हुए लेकिन जनता का रोटी तीसरा नहीं खोला कि चले बैठे हुए देखा। जाकर के भगवान की चुनौत को भगवान ने रचित करते हुए कहा चुनो तो साधु क्या है तेरा उपचार चांदी देखे चेतना मुख देखे व्यवहार तुम अपने मन में न्याय करो कि व्रत पूजन का निश्चय करके पुराण किया इस दिन तक भी टाला ही बात बना करके फिर बंदी गृह से छूटे तो भी तो चेत नहीं आया नारायण के निमित्त कुछ भी व्यय करना तुम्हें नहीं भाया। इतना विनती किया इस तरह से भगवान ने दोनों महाजनों को रचित किया। तो दोनों महाजन भगवान से विनती करते हैं, सभी लोग विनती करें कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी न होते हम रजम न होते तुम्हारी न घर घर में होती इबादत तुम्हारी प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो कृपा करके उसको संभालो मुरारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और कहा भगवान मैं फटा हुआ था माया में इसलिए मुझे श्रद्धा न रही भगवान आपके दर्शन की इच्छा न रही ममता न रही अब तक जो भूला सो भूला अपराध क्षमा अब कर दीजिए मुझको अपना जन दीन जान विमल भक्त का भर दीजिए। ये तो आपसे विनती किया भगवान खुश हो गए। कहा जाओ तुम्हारा दर मिला आकर के शेरी नौ काम देखा जैसे अपने घर को चल देते हैं। बहुत दिनों के बाद घर के नदी पूछे दूसरों ने कहा कि मेरे घर में जाए को बताओ कि आपके पति और दामाद ठमत्र पहुंच चुके हैं। जिस समय दूध लोग पूछे भगवान का पूजन हो रहा था लीलावती ने कलावती ने कहा पुत्री तुम कहाँ पहुँच के आना मैं पक्के दर्शन को जाती हूँ। कलावती मेरी भगवान की पहुँचा था घुबरा लेकिन रात के ग्रहण के पक्के दर्शन को डूब दिया इसे भगवान उठो गए उनके पद को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती करुण करने लगी लीलावती विलाप करने लगी जितने में ला थे उड़ गए। साध राम के शेठ जी कह दे बाबू जी कि जब ही जब कष्ट परे हम पर तब ही तब कष्ट सुदे मही दीना देश हो जाहि विदेश हो में बिन चोर के धर बांधो जोधा। इसे भगवान खुश हो गए राकार बाड़े के साथ तेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ करके आई घर जा करके भ्रास खा करके आएगी उनका पद मिलेगा तुरंत ही क्रांति घर बजू के भगवान के भ्रास खाए लौट करके आई पति दर्शन हुए। फिर सभी लोग घर बज के विदा के साथ भगवान का भजन किया जब तक इतनी देर शुभ किया मरने पर वकुलधाम को प्राप्त किया। इसलिए तुम पुराने देवा खंडे चतुर्थ जाया बुरो सत्रण भगवान की। अच्छा चाह दीजिए आप लोग ले रही भगवान के प्रसाद को त्याग कर महान कर
सद्बुद्धवान संपत्तवान तुंग ध्वज नाम इंद पर थे ही प्रजा उन्हें अतिशय प्यारी वह न्याय नीत थे नागर थे। महाराज तुंग ध्वज द्वार आखे पिखेरने के निमेष वह एक समय बन में जाकर बिछुड़े संगियों साथियों के फिरते थे अकुलाकर। महाराज तुंग ध्वज एक बार बरूड़ी शेरा लेकर के जंगल में बनरे पशुओं के शिकार के लिए निकले और घोर जंगल में किले जा पहुंचे। उस जंगल में एक प्रेत रहता था जो राजा को देखकर खाने को दौड़ा। राजा ने अपना मन स्थिर करके पूछा कि हे प्रेत तुम कौन हो यहाँ पर आकर क्यों पड़े हो। फिर बोला कि हम तो गुजरात प्रांत के रहने वाले हैं, पूर्व जन्म में बड़े पापी थे इससे ये शरीर पाए हैं आकर के जंगल पड़े हैं। राजा ने कहा तुम हमारे साथ चलो तुमको अच्छे अच्छे अपराध खिलाएंगे और प्रेत यौन से छूटने का उपाय बताएंगे। वो प्रेत राजा के पीछे चल दिया। राजा जब कुछ और आगे बढ़े तो गर्मी का महीना था, राजा सुताना चाहते थे, उन्हें बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। राजा उसी बरगद के वृक्ष के नीचे सुताने लगे। वो प्रेत की शाखा पर बैठ गया। राजा ने देखा अगरबत्ती तुमसे हटकर बिजती जगह बैठे थे कुछ ग्वाले आकर जो सप्त देव का प्रेम सहित पूजन करते थे सुख पाकर। सासा ग्वालों ने देखा कि राजा भी उनके आए हैं तरु की छाया में बैठे हैं चिंतित हैं कुछ घबराए हैं। जब पूजन समाप्त हुआ तो गोप लोग तुलसी पंचामृत सहित लेकर स्वल्प प्रसाद राजा के सन्निकट वे आए विगत विषाद। वे गोप लोग भगवान के प्रसाद को राजा के सामने रखा। सहसा राजा ने देखा कि कुछ ग्वाले उन तक आए हैं समेत मिष्ठान मधुर अपने हाथों में लाए हैं। ये देख नगेश्वर ने सोचा कि ये तुच्छ वंश के ग्वाले हैं जो वन में सारे दिन चल फिर कर वो वस चराने वाले हैं। राजा ने सोचा कि तो गायों को चराने वाले ग्वाले लोग हैं, इनके हाथों का छुआ हुआ प्रसाद ग्रहण करने कैसे राजा होकर राजाओं का हम मान नष्ट कर दे कैसे। ऐसा विचार के महारानी भगवान के भाव को छुआ तक नहीं। और आगे लिखा है कि जो बड़े आदमी छोटों से बचते अथवा सकुचाते हैं वे ईश्वर के न्यायालय में अपराधी पाए जाते हैं। इसी के साथ ये शारदीय प्रणवा के पवन गाथा में 11 रुपये वाहन के जन्म किया। भगवान को धंधा से भरपूर रखे, इनका प्रवाह सुखी रहे, बाल बच्चे सुखी रहे। इधर देखिए, इधर ध्यान देने की बात, जो प्रेत बरगद की शाखा बैठा हुआ था उनको भूख लगी थी, उसने पूछा पता नहीं राजा खाने को कब देंगे। नीचे देखा भगवान का उधर रखा है, सोचा कि लाओ इसी को उठा कर खा लें। जब नीचे उतरने लगा तो जितने गोप लोग उनको देख करके डर गए, तुरंत ही प्रेत समझ गया ये भक्तगण तो डर रहे हैं। मनुष्य की वाणी बोला देखो भैया तुमको डरने की जरूरत नहीं, आज तुम्हारे ही कार्य हमको ही भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा था को पुण्य का अवसर मिला। ऐसा प्रेत उतरा, उतर करके भगवान के प्रसाद को खा लिया। आराम से निकला, स्वर्ग से सीधे विमान आया, उस पर बढ़ करके प्रेत प्रदेश स्वर्ग नगर वैकुंठ हो गया। सोचने की बात एक दूसरे उन्मे जन्मा प्रेत भगवान की कथा सुन निर्माण से वैकुंठ को जाता है तो हम लोग मनुष्य है 84 लाख के उन्हीं में श्रेष्ठ बुद्ध भी है हमारे अंदर। अगर हम भी भगवान के एक भी शब्द को अंतःकरण में डालें तो हमारा उद्धार हो सकता है। इसी कथा कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा के शपथ से स्वर्ण हो गए, घोटाले के घोड़न हट हो गए, राधवी राजा मूर्छित हो गया। मूर्छावर था मेरा जाने यह सुना कि कोई कहता है
राजन इस कठिन वेदना का जो स्रोत इस समय बहता है वो सब संताप तुम्हारी अविवेक मूर्खता का फल है। तुमने कुछ किया विचार नहीं कित बड़ा तुम्हारा चंचल है। बन में बालों के हाथों का तुमने प्रसाद जो छोड़ा है बसुटी प्राप के कारण से विधिना ने तो मुख मोड़ा है। अपना कल्याण चाहते हो तो इसी समय बन में जाओ उन बालों को वादर समेत उनके घर से तुम बोलो आओ। राजा सभी गोप लोगों को बुला करके उसी बरगद के वृक्ष के नीचे वृद्धा के साथ भगवान का वजन किया तो जैसे पहले था वैसे हो गया। जब तक राजा इस पृथ्वी राज शुभ किया मन पर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। ये भगवान के कई नाम है, लीजिएगा भगवान के कई नाम है। कोई सत्य कहता है, कोई ईश कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई भूत कहता है, कोई काली कहता है, कोई लक्ष्मी कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई राम कहता है। और यही सत्यनारायण बाबा का उदाहरण करके सबकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो पिता के राम रोजन किया उनके दुहरे दिन कथा के देखो पदानंदो वहां पर आज्ञा पदान रोड पदानंद के जो गिरवाड़ थे जो वहां से भक्त किया लकड़ी का ढोल नकारा तो ज्यादा हुए जो वहां श्री राम जी को उनका पालता करके स्वयं की कृपा से महाराज उनका हो गए दो महाराज दशरथ हुए जो भगवान रघुनाथ का भजन करके राम को राज किया। जितने गोप लोग थे वो सब त्रिवेंद्र वास हुए सभी लोग नदी का अच्छा भगवान के चरणों में सभी लोग चढ़ा दीजिए दानपुण करना दानपुण है तो अच्छा सभी लोग चढ़ा दीजिए क्योंकि लिखा गया है भगवान को धंधा से कपूर रखे उनका परिवार सुखी रहे बाल बच्चे सुखी रहे बच्चे पढ़े लिखे विद्वान बने प्रधानमंत्री बने राष्ट्रपति बने देश की सेवा करें समाज की सेवा करें अपने माता पिता का नाम सुने। जिन लोगों ने रक्षा स्रोत नहीं बताया है आकर फिर जरूर ला लेंगे दशहरा बिल्कुल बिल्कुल। ये राजा बुद्ध दाम जो भावरा ते नाम प्राप्त माँ चल माजर सर्व मंगल मंगल शिव दरबार साध के शरण तुमके गौरी नारायणी नमस्ते सारा गद दीनाथ प्राण प्राणे सर चार भय देवी दुर्गे श्री महाराज महा लक्ष्मी नारायण भाई देवता भ्यो नमः कुल देवता भ्यो नमः ग्राम देवता भ्यो नमः। ये राजा आपको तो बन गया आज आओ फिर आइए फिर। ये राजा वृद्धो दामिंद्रो भावला ते राम राम से मातर मातर सर्व मंगल मंगल ले शिव शर्मा साहब के लो Thank you.
दाल भात नहीं खाते इसका मतलब ये समझ लिया ना, अपने आप से नहीं खाते हैं। वही कुछ बात तो है। चलो हो गया। अपने हाथ से खाना लग जाएगा ना, मुझे ये बड़ा हो जाएगा। पांच लोग कीजिए, सर्वे भोदे भ्रम स्वाहा, सर्वे भोगणे भ्रम स्वाहा। छोड़ दी, एक आदमी और ऋतम चंद्रते स्वाहा, सर्वे भोदे भ्रम स्वाहा, जल धारे शिव चेत कला से मुक्ति धर्म जल पाप संधारे। जल ले दीजिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। पांचों लोग हम कीजिए अनदेखा कर, सभी लोग हम अनदेखा से दे रहे हैं। सभी लोगों का नहीं, भोजन करके भले ही क्यों ना आलो के, सभी लोग जिनके कान में एक भी शब्द पड़ा सभी लोग आकर के हवन करेंगे। ओ मंगला नम स्वाहा, ओम उदाय नम स्वाहा, ओम कृते नम स्वाहा, ओम शुक्राय नम स्वाहा, ओम फनिचराय नम स्वाहा, ओम रावे नम स्वाहा, कृत्रे नम स्वाहा, ओम मंगलाते नम स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम सत्यनारायण नम स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नम स्वाहा, ओम सत्यनारायण नम स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सप्त वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सप्त वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सप्त वरुणं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडा जी चय ओं ग्रौं हों क्लीं जुं चा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडा जी चय ज्वल हम लंग छंग फट स्वाहा ओं ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडा जी चय ओं ग्रौं हों क्लीं जुं चा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडा जी चय ज्वल हम लंग छंग फट स्वाहा ओं ऐं ह्रीं क्लीं चा मुंडा जी चय ओं ग्रौं हों क्लीं जुं चा ज्वाला जो जो प्रति प्रति ले हैं क्लिंग चामुंडा भी चाहे तो राम जी से पढ़ रहा ओ महार श्री नमः तुभ्यं नमः तुभ्यं सुरेश्वर हर प्रिय नमः तुभ्यं नमः तुभ्यं दयाल दे ओ महार श्री नमः स्वाहा तुम्हें वा माता चरिता तुम्हें वा बंधो चखा तुम्हें वा विद्या द्रवणं तुम्हें वा सर्वं मम देव देवं तुम सत्य दिव्य नमः स्वाहा उपकरेण वीणां परिवादयन्तं तथा जपन्तं अपरेण मालां मरालश्रेष्ठा सञ्चन पीठं सरस्वतीं तां चित्तान् वामि ॐ प्रतिदिवे नमः स्वाहा ॐ यादे ऋद्वि सर्वते शक्तिर्पेण दन्ता नमर्तते 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 नमः स्वाहा या देवी सर्वते लज्जारूपेण दन्ता नमर्तते 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 नमः अनुद्रदेवे नमः स्वाहा ॐ कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवता धर्म स्वाहा ओम ईश देवता धर्म स्वाहा ओम सर्वे भूत धर्म स्वाहा चाकू ले बेटा चाकू पूछे ना ये चाकू दिया था थाली में चाकू रखा है तू लेके ये लड़का इधर आए इधर आई तुम भी आओ डालो हवन डालो मौज करो चलिए मैं मौज करो आ जाओ बेटा मौज करो और भी बहुत चलिए और आगे सभी बच्चे आए मौज करें इधर आई ये सारे बच्चे इधर आए चलिए इधर वहाँ जाइए नहीं कहाँ जा रहे इधर आइए तुम भी इधर आओ हाँ डालो पीछे को डाल थोड़ा थोड़ा लिए ओम स्वाहा स्वाहा सर्वे देवेन स्वाहा इधर है इधर बैठी सर्वे स्वाहा हाँ सब लोग बच्चे सभी लोग डाले श्री महाराज नहीं लगा पागे नहीं लगा निकाल के नहीं लगा भाई आ जाओ बढ़िया चलिए हो गया भाई चलो ओम आदित्य वसो रुद्र छोटा डू चाहता है नहीं राम को बता दो इसको हम लोगों को बता दो स्वाहा और सुधा दो शब्द है स्वाहा जो है देवताओं के लिए है सुधा पितरों के लिए दोनों शब्द है चलिए पूरी दो पूरी दीजिए दो पूरी दीजिए एक पूरी और दीजिए इसको दो भागों की दीजिए इसे दो भागों की वहाँ रखिए लड्डू लाइए चलिए इसको पकड़ो ओम नाभ्यासी चक्रंशी चौदह समूर्त तुझाओ विष्णा विराजते मात्र देवो देवना जल भोजन के बाद जल सर आप कीजिए आपका काम है ऐसे करके आपकी नंदर हाँ लगा लीजिए हाँ हाँ बने रहो तो भूत दो
टीका लगा लिया नहीं दूध में बल्कि खाते हैं बस बैठो बैठो थोड़ा घी गिरा दीजिए थोड़ा घी पिछले दीजिए बना थोड़ा से गिरा दीजिए बताने के लिए जल 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 ज